नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न की पहले बात करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक धनराशि x 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में y हो जाती है, तो y अनुपात x क्या होगा? ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है? एक धनराशि x, यानी हमें इसमें मूलधन दिया गया है, कितना है x। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें रेट दिया गया है। रेट कितना दिया है? 20%। ठीक है, 5 वर्षों में टाइम भी दे दिया है, 5 वर्ष। y हो जाती है, यानी क्या ये अमाउंट दे दिया है y। उसने हमसे पूछा है तो y रेशियो x क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है हम उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल पी 1 प्लस आर बटे 100 भागे टाइम। ठीक है, a की वैल्यू है y, p की वैल्यू है x, 1 प्लस आर की वैल्यू है 20 भागे 100 और टाइम है 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर हम कट करेंगे 20 एकम 20, 20 पंची 100। तो y बराबर x 1 प्लस 1 अपॉन 5 पावर है 5 की, तो 5 एकम 5 एक 6 और y के नीचे आ जाएगा x, तो यह हो जाएगा 6/5 की पावर 5। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 6 का 5 बार करना है और 5 का 5 बार करना है। तो 6 का जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं और 5 का भी हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन कर ली है, तो y अपॉन x कितना आया है? 7 7 7 6 और भाग आया है 31 25। ठीक है, अगर हम रेशियो में बात करें तो कितना आएगा? y रेशियो x बराबर 7776 रेशियो 3125। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करना है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।